कोई भी रिश्ता प्रेम तथा विश्वास पर आधारित होता है और हमारे जीवन में रिश्ते नाजुक और बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी इंसान के लिए जीवन में अकेले रहना नामुमकिन है, इसलिए हमें कुछ रिश्ते हमारे जन्म से पहले ही मिल गए और कुछ बाद में। लेकिन इन रिश्तों को निभाना ये हमारे हाथ में। हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हर रिश्ते में विश्वास का होना बहुत जरूरी है, तभी वो रिश्ता लंबे समय तक टिक पाएगा। रिश्ते को बेहतरीन बनाए रखने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। ऐसे में किसी एक का विश्वास भी डगमगा जाए तो पूरी नींव हिल सकती है। तो कई बार आपसी मतभेद की वजह से रिश्ते के टूटने तक की नौबत आ जाती है, इसलिए इनकी अहमियत को समझना चाहिए। रिश्तों के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। अपने रिश्तों और पैसों के कदर एक समान करें। दोनों का कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। रिश्तों को शब्दों का मोहताज ना बनाइए। अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज लगाइए। रिश्ता निभाना हर एक के बस की बात नहीं है। खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे की खुशी के लिए। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। जहाँ सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज़्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज़्यादा हो। अगर दो व्यक्ति में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों पर, भूलो उनकी गलतियों पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वो हमारे हुनर की बात है। एक मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है उस रिश्ते को बनाने में। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाइए जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाए जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट और एक छोटी सी माफ़ी से ज़िंदगी दोबारा पहले जैसे हो जाती है। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ ले कि आज तक इस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने के लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वो ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस कर पाया। प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते नहीं टूटेंगे। लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते कभी नहीं बनते। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जिन्होंने हमें खुशियाँ दी हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो उन मालियों की तरह होते हैं जो अपने अस्तित्व भर से बाग को हरा भरा कर देते हैं। कभी भी दूसरों के आदर्श रूप को प्रस्तुत ना करें, वो कभी आपके आंसुओं पर खड़े नहीं उतरेंगे। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं, जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर रिश्ता कोई नहीं। यदि हम ढूंढें तो ज़िंदगी में एक बहुत ही बुरा सच है कि वही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जीवन में रिश्ता होना ज़रूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना ज़रूरी है। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, और मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, और बिखर जाते हैं अहंकार से, और मर जाते हैं मौन युद्ध से। रिश्ता चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाते रहना चाहिए। अगर कोई रिश्ता निभाना है तो इन दो आँखों की तरह निभाओ। साथ सोती है, साथ जागती है, साथ हंसती है और साथ रोती है, फिर एक दिन साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती है। हमें ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखना चाहिए जिसने आपको ये तीन भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियाँ होती हैं। देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना, ये 4 बहुत सरल सीढ़ियाँ हैं, लेकिन सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना।
जीवन में सिर्फ वहां तक ही झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बना रहे। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे। आप लोगों को खोने से नहीं, रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं काटने वालों की संख्या उतनी अधिक होती है। संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ते तो वो है जो हर पल अपनेपन का एहसास दे। रिश्ते प्यार और मित्रता हर जगह पाए जाते हैं, परंतु ये ठहरते वही हैं जहाँ पर इन्हें आदर मिलता है। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। माफ़ी मांगने का ये मतलब नहीं होता है कि हम गलत हैं या सामने वाला सही है। इसका मतलब ये है कि हम रिश्तों को अपने अहंकार से ज़्यादा महत्व देते हैं, बिना कहे सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। अपने वो नहीं होते जो आपके रोने पर आपके काम आए, अपने वो होते हैं जो आपको रोने ही ना दे। आप दुनिया से लड़ लेना, लेकिन कभी भी अपनों से नहीं लड़ना, क्योंकि अपनों के साथ आपको जीतना नहीं है बल्कि उनके साथ जीना है। जीवन का एक कड़वा सच ये भी है कि आप किसी के लिए तब तक खास है जब तक उसको आपसे बेहतर कोई और नहीं मिल जाता है। जो माफ़ी मांगते हैं वो ये साबित नहीं करते कि वो गलत थे आप सही, बल्कि उनमें रिश्तों की निभाने की काबिलियत आपसे ज़्यादा है। आपकी खुशियों में बस वही लोग शामिल होंगे जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वही लोग शामिल होंगे जो आपको चाहते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर अपनों को करीब रखना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को दिल के करीब रखना है तो उनकी कोई बात दिल पर मत लो। जब कोई भी समय मिले तो अपने दिल की बात अपनों से कह दो। बहुत दिनों तक खामोश रिश्ते ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते हैं। जीवन में वही रिश्ता सफल होता है जो दुनिया की मजबूरियों से ज़्यादा अपने दिल के जज्बातों की परवाह करता हो। जब इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है तो अपने आप को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तो अपने उसे भुला देते हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही बड़े स्नेह के साथ रहते थे। कोई चीज़ लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड़े को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिए। वहीं से दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। पूरा एक साल बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जब छोटे भाई की बेटी की शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े तो बड़े ही होते हैं, मैं उन्हें मना लेता हूँ। उसने भाई से बीती बातों की क्षमा मांगी और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया। लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि किसी भी तरह भाई को मना कर रहूँगा। विवाह के लिए काफ़ी कम दिन बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थे। एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज एक महाराज जी के सत्संग सुनने जाता है, उनकी सारी बातें वो मानता है। इसके बाद छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और पश्चाताप व्यक्त किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के विवाह में मेरे बड़े भाई को आने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है क्या? तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, मैंने बीते रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? कुछ देर सोचने के बाद वह हाथ जोड़कर बोला, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। संत ने कहा, देखो मेरी बताई हुई अच्छी बातें जो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वो तुम्हें आज भी हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तो उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? अगर जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या है? इसलिए यहाँ मत आया करो। ये सुनकर बड़े भाई की आंखें खुल गई और उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार किया कि वास्तव में हम सब कड़वे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बांध लेते हैं।
जीवन भर उसे सोचकर अपने जीवन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते जाते, लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से भूल की क्षमा मांगी और अपने भाई को माफ कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।